रियाज में अरब नेट डिजिटल मीडिया नुमाइश का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के तआवुन से 6 पाकिस्तानी आईटी कंपनियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी बूथ का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाली नुमाइश का मकसद इब्तदाई सरमायाकारी करने वालों के लिए इब्तदाई मौका मुहैया करना, डिजिटल मीडिया तहरात के लिए इश्तहारात, डिजिटल बनकारी और मालियाती टेक्नोलॉजी के लिए सरमाया, ऑनलाइन अदायगी के लिए जदीद तरीकों को मुतारफ कराना था। मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज का कहना था कि सऊदी वली अहद का 2030 का विजन इंतहाई अहमियत का हामिल है और सऊदी मैशियत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है और इस नए खुलने वाले दरवाजे में पाकिस्तान और पाकिस्तानी बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा कारोबारी मौके मुयसर हैं। मजीद इनका कहना था कि अरब नेट के जेरे तमाम होने वाली इस डिजिटल मीडिया नुमाइश में 6 पाकिस्तानी कंपनियों का शरीक होना भी एक मुस्बत पहलू है। हम सबको पता है कि सऊदी क्राउन प्रिंस का जो विजन है 2030 का, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इन अ नटशेल, सऊदी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई हो रही है और इस डाइवर्सिफिकेशन के अंदर ऑयल बेस के अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको टैप किया जा रहा है। तो ये जो ओपनिंग ऑफ डोर्स हैं, ये जो दरवाजे खोले जा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मौके हैं, पाकिस्तानी बिजनेसमैनों के लिए बहुत सारे मौके हैं कि वो सऊदीया में आके अपना फुटप्रिंट दे सकें और यहाँ पे आके बिज़नेस को फ़रोग दे सकें। सो मैं आई विल यूज़ दिस चैनल टू रिक्वेस्ट ऑल पाकिस्तानी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स टू अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम टू सऊदीया एंड एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी एंड देयर बाय नॉट जस्ट एक्सपेंडिंग देयर ओन बिजनेस बट ऑल्सो ब्रिंगिंग गुड नेम टू पाकिस्तान। थैंक यू। दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबरान का क्या कहना था, आए देखते हैं। नेट के आज एग्जीबिशन पर आए हुए हैं और हमें फख्र है कि यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के भी जो बिजनेसमैन हैं और आईटी इंजीनियर्स वगैरह हैं, इन्होंने भी यहाँ पर एक विलियन बनाया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। जो है वो शुक्रगुजार हैं अपने राजा अली साहब के, जो कि सफीर हैं यहाँ पे, एम्बेसडर हैं सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान एम्बेसी के। तो इट हैज़ बीन अ वेरी गुड इवेंट जी, इंशाल्लाह हम दोबारा भी पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान की 8 से 10 कंपनियां आई हैं, जैसे कि आप पीछे देर उन्होंने स्टॉल लगाए और अभी पाकिस्तान के लोग इस तरह की उद्योग में आना शुरू हो गए और अभी अपनी कंपनी को अपनी प्रमोट कर रहे हैं और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें हमारी पाकिस्तान वैसे बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और वैसे भी लोग यहाँ अवेलेबल है, हमारे अपने जितने बिजनेस कम्युनिटी उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर में सऊदी अरेबिया में हमारी एक्सपर्टीज और हमारी जो लोकल नो हाउ उसके हिसाब से और वेलकम पाकिस्तानी कंपनीज एंड वी लुक फॉरवर्ड के जो हम लोग जो भी हमारी कंपनीज आई हैं वो एनेबल्ड हों यहाँ सऊदी सेक्टर में, सारी चीज़ें डिजिटलाइज करेंगे और जिसको सारा आई टी बेस पे यानी चलेंगे विदिन 030 के टाइम मुताबिक। लिहाजा हमने भी इस दफ़ा ये डिसाइड किया कि पाकिस्तान से हमारी रिप्रेजेंटेशन हो ताकि हम भी इस जो पोटेंशियल मार्केट है सऊदी की हम इसको ग्रैब कर सकें। बाबर अली के हमराह वसीम खान, ब्यूरो चीफ, निजाम टीवी, अर रियाज, सऊदी अरब।